हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक एकेडमी। मैं ऋषभ पांचाल एक बार फिर से आपका आपके परिवार तिलक एकेडमी पर स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। अब मैं बात करता हूँ कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा। तो जितने भी इलेक्ट्रिक करंट के अंदर टॉपिक या सब टॉपिक है सबकी हम चर्चा करेंगे और जहां जहां से एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना है सारी चीजें मैं यहां पे आपको कवर कर दूंगा। ठीक है, तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है बिना स्किप किए। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट से। तो अगर मैं बात करूँ कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो अगर किसी कंडक्टर में से, ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ सुनते जाइए आपको सब कुछ चीजें समझ में आ जाएगी। तो किसी कंडक्टर में से पर सेकेंड फ्लो होने वाले चार्ज को ही हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। या फिर मैं बोलूं कि किसी चालक से आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है ना, थ्रू एनी कंडक्टर। किसी चालक से आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। तो ये सिंपल से हम नोट्स के फॉर्म में पढ़ेंगे तो सिंपल डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब अगर देखें तो इलेक्ट्रिक करंट को हम आई रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि कौन सा सिंबल इसके लिए यूज किया जाता है, आई। और आई इक्वल टू अगर हम देखें तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो आवेश प्रवाह की दर है तो आवेश को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से बताते हैं, और समय को टी से। तो आवेश प्रवाह की दर किसके सापेक्ष देखेंगे आप, किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो आई इक्वल टू कितना बनता है, क्यू अपॉन टी। तो आप यहां देख रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला हो गया वो आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आप देख रहे हैं क्यू की यूनिट जो होती है कूलम होती है, और अगर मैं यहां पर बात करूं समय की यूनिट तो ये होती है सेकेंड। तो इसकी यूनिट बनना चाहिए कूलम पर सेकेंड, लेकिन एम्पियर ने कई लॉ दिए थे, सर्किटल लॉ भी दिया था। ठीक है, तो अगर एम्पियर की बात करें तो वो एक साइंटिस्ट थे और जो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है उनके नाम पे रखी गई है, यानी कि कूलाम पर सेकंड का मतलब क्या होता है, एम्पियर होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है एम्पियर होती है, इससे ए से बताते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि एक एम्पियर किसके बराबर होता है, तो एक एम्पियर जो होगा वो एक कूलाम पर सेकेंड के बराबर होगा, एक कूलम अपॉन एक सेकेंड के बराबर होगा। ठीक है, तो वन एम्पियर इक्वल टू वन कूलम पर सेकेंड। तो यहां से आपको इतनी चीजें ध्यान रखनी है। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूं कि अगर किसी कंडक्टर में से, याद रखिएगा स्टार मार्क करके लिख लीजिए, यदि किसी कंडक्टर में से एक एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, तो एक एम्पियर अगर किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रही है तो उसके अंदर से एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन पास हो जाएंगे। फ्लो ऑफ चार्ज होता है करंट, तो चार्ज क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो यदि किसी चालक में से, किसी कंडक्टर में से एक एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो आपको ये बताना है कि एक सेकेंड में से उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन गुजर जाएंगे। तो एक सेकेंड में से उसमें से गुजरेंगे 6 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन, सॉरी 6.25 होता है, 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन चालक से गुजर जाएंगे यदि एक सेकेंड एक एम्पियर की धारा उसमें से प्रवाहित हो रही है। चलिए अब हम बात करते हैं विद्युत धारा के प्रकार की, यानी कि टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर हम देखें टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कितना टाइप का होता है, अगर विद्युत धारा का प्रकार देखें कितने टाइप के होते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है मेजरली दो टाइप का होगा। ठीक है, अब ये दो टाइप कौन कौन से वो देख लेते हैं। तो एक होता है एसी करंट जिसे कहा जाता है अल्टरनेटिव करंट। ठीक है, और एक होता है डीसी करंट जिसे कहा जाता है डायरेक्ट करंट। और ये कैसा है, तो ये अल्टरनेटिव करंट। अब जरा देखिए, इसे हिंदी में कहा जाएगा प्रत्यावर्ती धारा और इसे हिंदी में कहा जाता है दिष्ट धारा। ठीक है, तो अब अल्टरनेटिव करंट क्या होता है जरा ध्यान से सुनिए। अगर ऐसा करंट जिस जो कंटिन्यूअसली टाइम के रिस्पेक्ट में जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज होता है, ऐसी करंट
वो करंट होता है, अल्टरनेटिव करंट वो करंट होता है जो कंटिन्यूसली टाइम के रिस्पेक्ट में अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज करता है, ठीक है। तो अल्टरनेटिव करंट देखें तो कुछ इस तरह से होगा, कंटिन्यूसली उसका टाइम के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज होता है, तो वो क्या होती है? प्रत्यावर्ती धारा। तो ऐसी धारा जिसका समय के सापेक्ष दिशा और परिमाण दोनों ही क्या होता है, बदल जाता है, उसे क्या कहते हैं? अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। मतलब कि ये दोनों दिशाओं में प्रवाहित होता है। अब यहाँ देखें, डीसी करंट की बात करें तो ऐसा करंट होता है, डीसी करंट, डायरेक्ट करंट वो करंट होता है जो कि टाइम के रिस्पेक्ट में इसकी डायरेक्शन नहीं बदलती और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं बदलती। तो अल्टीमेटली अगर आप देखें तो ये अल्टरनेटिव करंट होगा एसी, और अगर ये बात करें तो ये डीसी करंट होगा। तो बिल्कुल बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो आपको होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बात कर लेते हैं ओम के लॉ की, ठीक है। ओम का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। अब ओम्स लॉ क्या है जरा ध्यान से समझिएगा। तो अगर किसी कंडक्टर के यदि किसी कंडक्टर की फिजिकल स्टेट में मैं चेंज ना करूँ, लेट सपोज एक कंडक्टर है ये, ठीक है, और इसकी फिजिकल स्टेट में मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। फिजिकल स्टेट में चेंज करने का मतलब ये है कि इसकी आकृति पे, इसकी एरिया पे, इसके पदार्थ जिस मटेरियल से बना हुआ है उस पे, इसके तापमान पे, टेम्परेचर में अगर कोई मैं चेंज नहीं करूँ तो इसके सिरों पे लगाया गया वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल, इसके सिरों पर अप्लाई किया गया वोल्टेज, इसके ये जो दो टर्मिनल आपको दिख रहे हैं कंडक्टर के, इस पे लगाया गया पोटेंशियल यानी कि V, इसमें प्रवाहित धारा I, जो भी इसमें आप सिंपल सी बात है, किसी को अगर बैटरी से कनेक्ट करोगे, वोल्टेज लगाओगे तो उसमें धारा प्रवाहित होगी। तो किसी कंडक्टर के सिरों के अक्रॉस लगाया गया वोल्टेज उसमें प्रवाहित धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये लॉ दिया था ओम ने, ठीक है। इसलिए इसे ओम लॉ किया, इसीलिए इसे ओम का नियम कहा जाता है। अगर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिखा, मैं फिजिक्स में अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊं तो यहाँ पे एक इक्वल टू और एक कॉन्स्टेंट लगता है, तो यहाँ पे मैं कॉन्स्टेंट लगाता हूँ R, तो ये R I हो जाएगा, इसे I R भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो तो यहाँ मैं R की बात कर रहा था, इस R को कहा जाता है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। क्या कहा जाता है? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, यानी कि इसे कहा जाएगा हिंदी में चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध, ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसी को रेजिस्टेंस कहा जाता है। अब देखिए, अगर रेजिस्टेंस की यहाँ से बात करूँ तो यहाँ से अगर मैं R की वैल्यू निकालूंगा आगे, तो ये V अपॉन I हो जाएगा, और अगर इसकी यूनिट देखें तो V की वोल्ट होना चाहिए और I की क्या होना चाहिए, अभी मैंने I की यूनिट आपको बताई एम्पियर, ठीक है, तो वोल्ट पर एम्पियर होता है, लेकिन यहाँ पे इसकी यूनिट लिखी जाती है ओम। क्यों? क्योंकि ओम ने यह नियम दिया है, तो इसके लिए इसकी यूनिट क्या रख दी? ओम रख दी, ठीक है। तो इसकी इकाई जो होती है वो ओम होती है, तो ये ओम इस तरह से सिंबल बनाया जाता है। तो रेजिस्टेंस की यूनिट आपको याद रखनी क्या होती है? ओम होती है। अब ओमिक रेजिस्टेंस की बात करते हैं, ओमिक रेजिस्टेंस क्या होता है, सिंपल से छोटा सा टॉपिक है। तो ओमिक रेजिस्टेंस की अगर बात करूं तो ऐसा रेजिस्टेंस जो कि ओम के नियम को फॉलो करता है, ओम के नियम का अनुपालन जो रेजिस्टेंस करता है, ओम के नियम के अकॉर्डिंग चलता है, उसे क्या बोलेंगे? ओमिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे कि एग्जाम्पल अगर लें तो मैग्नीशियम का तार जो है वो एक ओमिक रेजिस्टेंस का एग्जाम्पल है, ठीक है, छोटी सी चीज़ें आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस की मैं बात कर लेता हूँ। तो अगर हम टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस के जो टाइप होते हैं वो दो टाइप होते हैं। अब ये दो टाइप कौन कौन से रेजिस्टेंस के जरा मैं बात कर लेता हूँ। तो एक तो होता है कार्बन रेजिस्टेंस, ये आपको याद रखना है, कार्बन रेजिस्टेंस होता है, यानी कि इसे कहा जाता है कार्बन प्रतिरोध। और एक होता है वायर बाउंडेड रेजिस्टेंस, वायर बाउंडेड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो वायर बाउंडेड रेजिस्टेंस जो होते हैं वो एक ओम के कुछ भाग से लेकर के 100 ओम तक हो सकते हैं, ठीक है। और कार्बन रेजिस्टेंस जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, इस तरह से बहुत छोटे छोटे रेजिस्टेंस होते हैं कार्बन रेजिस्टेंस। तो इनके ऊपर क्या होती है? कलर कोडिंग होती है इनकी वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इतनी चीज़ यहाँ से आपको ध्यान रखना है टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस से, है ना, ये दोनों चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ पे आपको एक नोट ध्यान रखना है, वो नोट क्या ध्यान रखना है कि आपको ये ध्यान रखना है कि एक ही मटेरियल के बने मोटे तार के रेजिस्टेंस, अगर एक ही मटेरियल के दो तार बना देता हूँ, लेट सपोज एक तार मैंने एक मटेरियल का ये बना दिया, ये सपोज करो कॉपर का मैंने एक वायर बना दिया, है ना, और एक और मैं यहाँ पे वायर बना देता हूँ कॉपर का इस तरफ से, ये एक और वायर है कॉपर का, अगर मैंने इसकी भी लेंथ एल रखी और इसकी भी लंबाई में एल रखता हूँ, मतलब एक ही
एक ही मटेरियल से बने दो वायर जिनका एरिया अलग अलग है, जिनकी मोटाई अलग अलग है। तो ये मोटा वाला जो तार होगा इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कम होता है और पतले वाले तार का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। ये आपको फैक्ट ध्यान रखना है कि एक ही तार के सेम लंबाई के अगर दो मैंने क्या किए तार बना दिए, दो लंबाई के चालक बना दिए, तो उन दोनों तारों में से जो मोटा वाला तार होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा और पतले वाले टाइप तार का जो रेजिस्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा। ये आपको याद रखना।